दोस्तों आदाबर जी, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, संक्षिप्त समाचार देश के। हमारे अपने देश के संक्षिप्त समाचारों, कई समाचार ऐसे होते हैं जो कि बुलेटिन में नहीं आ पाते हैं, लिहाजा उनको संक्षिप्त करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये पहली कोशिश है हिंद वॉइस की। अगर आप लोगों को पसंद आई, जिस तरीके से और भी संक्षिप्त समाचार हम लोग बुलेटिन देते हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ की खबरों को देते हैं, उसी तरीके से किया गया है। खबरों में अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार 3 मुस्लिम युवक परवेश शाहनवाज और मोहम्मद शोएब को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वो 1 साल से जेल में बंद थे। इस तरीके से अब तक देखा जाए तो 43 नौजवान मुसलमान छोड़ दिए गए हैं, जिनकी पैरवी जमतुल उलमाए हिंद कर रहा था। उसी के साथ 139 और पैरवी हैं जमतुल उलमाए हिंद कर रहा है। जो एक काम कर रहे हैं, हम उनको क्रेडिट सही कर देना की ज़रूरत है। जिस तरीके से महमूद पराचा जो दंगाग्रस्त लोगों के मुकदमे फ्री में लड़ रहे हैं, तो उनको हम अब खबरों में देते हैं, उसी तरीके से खबर भी देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह की सुनवाई के लिए एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब डेट कब देते हैं। अर्जी में जो दाखिल की है, उसमें 1991 में लागू प्लेस ऑफ वर्सेस का जो एक सेगमेंट बनाया गया था 91 में, कि अब तक जितनी भी धर्मस्थल, कोई से भी धर्मस्थल है, उनको परिवर्तित किया गया है, उनके ऊपर खिलाफ कोई केस नहीं होगा, ना उनमें उसके कोई परिवर्तन किया जाएगा। सिर्फ एक को छोड़ के, बाबरी मस्जिद को छोड़ कर, ये कानून बाबरी मस्जिद के जब शहादत हुई थी, गिराई गई थी, तब ये कानून आया था। लेकिन उसके बाद अब पिछले दिनों इसके ऊपर केसेस किए जाने लगे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए जा रहे थे मथुरा के, अब वो जाके सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँच गई है। इसके माने फिर एक विवाद का विषय उभरने वाला है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। वहाँ पर कोई ना कोई भी ऐसा कार्यक्रम योगी जी करते हैं जो विवादों में गिर जाता। अब उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप यानी धार्मिक स्थल बनाए गए थे, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मज़ार, जो भी चीज़ बनाई गई थी, उनको उन्होंने तोड़ने की कह दिया है। उनको कहा गया कि अंदर कहीं पर शहर के या गाँव के अंदर उनको जगह दी जाए, इस तरीके से। और जो वहाँ यूपी सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है अविनाश अवस्थी, उन्होंने सभी यूपी के ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे स्थलों की लिस्ट बना के सरकार को सौंपी जाए। वहीं जो सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं वसीम रिजवी, उनके खिलाफ शिया लीडर कलवे जवाद एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इसलिए इस रैली में उनकी गिरफ्तार कराने की मांग उठ रही है। इसके पहले वसीम रिजवी हरदम विवादास्पद रहे हैं। इनको जो लाए थे राजनीति में उस जगह पर शिया वक्फ बोर्ड यूपी के सेक्रेटरी बना के, वो आज़म खां लाए थे। अब आज़म खां तो के बाद अब उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी पे अपना सरेंडर कर दिया है। कभी उनको अयोध्या के भगवान राम सपनों में नज़र आते हैं, जो रो रो के कह रहे थे कि उनके मंदिर को बनवाए। कभी उनके जो वो कहते हैं कि हम खड़ाऊँ लेके भगवान राम की सर पे रख के और मंदिर निर्माण के लिए जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि मंदिर निर्माण जब होगा तो वो उसमें कार जाके कार सेवा करेंगे। हरदम जब तक बनता रहे, कार सेवा के लिए तो नहीं गए, लेकिन हम शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो गए थे सेंट्रल के, तो वहाँ से भी हटा दिए गए अपने इस तरह के बयानों के जरिए। केंद्र सरकार भी उनको हजम नहीं कर पाई, ये बात है। अब उनके खिलाफ पूरे यूपी में माहौल है। कल भी जब बाद जो सरकार के आदमी हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ मोर्चा
खोल दिया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।